फिर से आपको सीधे नंदीग्राम लेकर चलते हैं। ममता बनर्जी इस वक्त नंदीग्राम में हैं और आप देखिए एक पोलिंग बूथ पर वहां पर पहुंची हुई हैं जायजा लेने के लिए। और यहां पर आरोप लगाया था टीएमसी के लोगों ने, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि यहां पर वोटर्स को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। बाहर हंगामा भी हुआ, यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और लगातार मोबाइल से वो संपर्क में है, जाहिर सी बात है, अपने पार्टी के लोगों से और अलग अलग जगहों से जो जानकारियां उन तक पहुंच रही होंगी। धीर गंभीर और शांत मुद्रा में लगातार उनसे बातचीत करने की भी बाहर जब कोशिश की थी पत्रकारों ने, तो कोई सवाल का जवाब उन्होंने दिया नहीं था। लेकिन फिलहाल मौजूदा परिस्थिति को समझते हुए, देखते हुए और साथ ही जाहिर सी बात है एक आकलन भी करते हुए कि नंदीग्राम की ये जो जंग है वो उन्हें और कितना मजबूत करती है, ये जाहिर सी बात है उनके जहन में चल रहा होगा। उनके जहन में ये भी चल रहा होगा कि एक वक्त जब लेफ्ट के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला था तब शुभेंदु अधिकारी उनके सबसे बड़े नायक थे, सबसे बड़े उनके सेनापति थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया था जिसने उन्हें सत्ता के शीर्ष तक, राज्य में पहुंचा दिया, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। आज जब वही शुभेंदु अधिकारी उनके खिलाफ है, बीजेपी के साथ है, बीजेपी के उम्मीदवार है, तो क्या ये नंदीग्राम उन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएगा? जाहिर सी बात है ये तमाम सवाल उनके जहन में चल रहे होंगे, ये तमाम उधेड़बुन उनके दिमाग में जरूर चल रही होगी। लेकिन फिलहाल नंदीग्राम की जो सियासत है वो एक अलग मोड़ पर है, जहां पर अलग अलग जगहों पर हंगामे हो रहे हैं, हमले भी हो रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ, ममता बनर्जी जब यहां पर पहुंची तो बाहर हंगामा हुआ, जहां पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए।